पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम की गिनती दुनिया के महानतम तेज गेंदबाजों में होती है। 56 साल के अकरम ने अपने दम पर पाकिस्तान टीम को कई मुकाबले जिताए, लेकिन अकरम सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। वसीम अकरम ने पाकिस्तान टीम के पूर्व टीममेट सलीम मलिक पर अपने करियर के शुरुआती दौर में नौकर की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अब अगर अकरम का ये बयान सच है तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम का माहौल समझ आता है। इस बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। साल 1984 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले वसीम अकरम ने कहा कि टीम के सीनियर सलीम मलिक ने उनसे मालिश कराई और उनसे कपड़े और जूते भी साफ कराए। अकरम ने यह खुलासा अपनी आत्मकथा सुल्तान अ मेमोयर में किया है। अकरम के अनुसार, वो मेरे जूनियर होने का फायदा उठाते थे, वो नकारात्मक स्वार्थी थे और मेरे साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करते थे। वो कहा करते थे कि मैं उनकी मालिश करूं। उन्होंने मुझे अपने कपड़े और जूते साफ करने का आदेश दिया। बता दें कि दोनों खिलाड़ियों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वसीम अकरम 1992 से लेकर 1995 तक मलिक की कप्तानी में खेले और ऐसी खबरें थी कि दोनों खिलाड़ियों के संबंध अच्छे नहीं थे। मलिक ने हालांकि आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अकरम ने ये सब अपनी किताब के प्रचार के लिए लिखा है। पाकिस्तानी मीडिया ने मलिक के हवाले से कहा, मैं उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने जो लिखा उसका कारण क्या था। अगर मैं संकीर्ण सोच वाला होता तो मैं उसे गेंदबाजी करने का मौका नहीं देता। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों लिखी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि सलीम मलिक के इस बयान पर वसीम अकरम का क्या जवाब आता है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आज तक। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।